विद्वान साथी बैठे हैं। साथियों, अभी गौतम जी ने बताया कि राजनीति की बात नहीं होगी, और सही में हम राजनीति की बात बेशक ना करें, बाकी राजनीति तो हमसे ही चलती है। आप सब समझदार हैं, बहुत ज़्यादा कुछ आपको कहने की ज़रूरत नहीं है ना बहुत समझाने की, क्योंकि हमने वो जो भी संस्थाएं हमारी दिल्ली में विभिन्न संस्थाएं उनके हेड बुलाए हैं, प्रधान हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं, और प्रधान जनरल सेक्रेटरी ऐसे ही नहीं बनते, बड़ा लंबा संघर्ष, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में समाज में सम्मान मिलता है, तो आप सब वो हैं। साथियों, आज आपको मंत्रालय मिला है, आपके पास मंत्रालय है, शायद आप बहुत सारे लोग परिचित होंगे हमारे जय भगवान जाटव जी के साथ, हमारे बैठे हैं आदरणीय उमपेर सिंह गौतम जी, जो समता सैनिक दल में हमने और इन्होंने तो 40 साल काम किया है, गौतम जी भी 30 वर्ष पूरा रात और दिन हमारे साथ रहे, वैसे इनका भी 34-35 साल का समाज में काम रहा है, और सभी लोग इतनी है 30-40 साल सबने काम किया है, किसी ने 10-20 साल किया है। तो साथियों, काम कर रहे, लड़ाई लड़ रहे, टारगेट भी है कि ये फिर सफलता क्यों नहीं मिल रही, तो फिर हम ये समझेंगे ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। साथियों, ताकत हमारी ज्यादा है, हमसे ज्यादा दूसरों को पता है, और आज से नहीं, हजारों वर्ष पहले से पता है, उन्होंने हमें बांट दिया, इसीलिए तो बांटा। हमारे गौतम साहब कई बार कहा करते थे, DNA टेस्ट करा के देखो, सब एक ही तो है, सब एक ही है हम जितने बैठे हैं। इसलिए साथियों, निवेदन मेरा भी ये होगा कि अगर समाज इकट्ठा होता है, ताकत बनती है, तो जो चाहे वो करा लोगे। हमने समता सैनिक दल के माध्यम से बड़े प्रदर्शन किए, बड़ी लड़ाई लड़ी है, बाकी ऐसा नहीं अलग अलग संगठन होना पूरी बात है, दूसरे लोग भी संगठन चलाते हैं, जब कॉमन कॉज की बात होती है सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आज निवेदन ये करने के लिए बोला गया कि जब भी हमने प्रयास किया जंतर मंतर पर का सारे संगठन इकट्ठा होंगे, तो अगर संगठन का अकेला प्रदर्शन हो तो लोग 500 होंगे, और सभी से आग्रह कर दिया जाए, सबसे निवेदन कर दिया, सारे संगठन मिलकर करेंगे तो 350-300 रह जाते हैं, कैसे लड़ाई लड़ेंगे। आज राजनीति की बात न सही, बाकी आपके मंत्री जी जो समाज से निकले हैं, समाज से तपके निकले हैं, समता सैनिक दल की भट्टी से तपे हैं, दर्द है मन में कुछ करने का, तो सिर्फ इतना फालतू जानते हैं आपसे, ये 6 महीने जो इन्होंने मंत्री पद चलाया है, बाकी तो आप और हम सब बराबर ही है, जानकारी थोड़ी होनी चाहिए, राजनेता नहीं है, पहले कभी राजनीति नहीं की ना हमने ना इन्होंने, तो आप बड़े बड़े विद्वान साथी हैं, आप अपना जो भी सुझाव समाज के हित में, क्यों जो जो काम किए हैं, जिन जिन पर हम काम कर रहे हैं मंत्री जी, उसकी मैं समझता हूँ बात कर सकते हैं, जो जो काम हो रहे हैं, तो जो समाज में जो मंत्रालय में अभी हमें 5 महीने पहले मंत्री जी को मंत्रालय मिला है गौतम साहब को, तो बहुत सारी जो हमारी समझ में थी, जो हमारी जानकारी में थी बातें, BSFDC में लोन नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल उसमें शर्तें लगा रखी हैं, उसके ऊपर कल भी मीटिंग हुई, पहले भी 5-10 मीटिंग हो चुकी है उन शर्तों को भी, क्योंकि होता क्या साथियों, हमारा पैसा बहुत है, सरकार बहुत पैसा ने रखा हुआ है, बाकी वो खर्च नहीं होता, हम बुराई नहीं करेंगे जो भी मंत्री रहे, बाकी सच कहना पड़ेगा, कुछ तो मंत्री ऐसे रहेंगे, कोटा तो शेड्यूल कास्ट है, बाकी देखो साथियों, मैं तो बड़ी ईमानदारी से कहूंगा, हो सकता है बुरा लगे किसी को, जो जय भीम नहीं करता, जिसके दिल में बाबा साहब नहीं, वो समाज का नहीं। व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा, बाकी 15 साल रहे इसी पद पे हमारे मंत्री जी, SC कोटे से, बाकी पंजाबी बोल के पता नहीं क्या सिद्ध करना चाहते थे, वो तो यही शो करने पर लगे होते, मैं शेड्यूल कास्ट नहीं, अरे भाई सीट मत लो आप शेड्यूल कास्ट की, तो आज आपके पास है ये, गौतम जी के पास नहीं है सीट, हम एक एक जो जो, क्योंकि हम जिन लड़ाइयों को लड़ते थे, जैसे हमने लड़ाई शिक्षा समान शिक्षा की, हमने हमें 30-35 साल लड़ाई समान शिक्षा की लड़ी, क्योंकि हम जो कुछ हैं, जितने लोग यहाँ चेहरे दिखाई दे रहे, सब शिक्षा की बदौलत, आज मंत्री जी जो यहाँ मंत्री जी के आवास में, शिक्षा की बदौलत, और शिक्षा कि क्या दुर्दशा की, उसमें ज्यादा भाषण देने की जरूरत है, आप सब जानते हैं स्कूलों में शिक्षा का क्या हाल कर दिया, और एक और नो डिटेंशन पॉलिसी में तो 8वीं तक फेल मत करो, ये कांग्रेस कर गई, 9वीं में 2 बार बच्चा फेल हो गया घर भेज दो, वो मजदूर का बच्चा, मजदूर पैदा हुआ, मजदूर ही मरेगा, कम से कम आज
शिक्षा में जो काम हो रहा है आप देख रहे हैं, इसलिए हमने भी अपना सामाजिक जो भी हम क्रांति में रहे हैं उससे गौतम जी के साथ खड़े हुए, क्योंकि गौतम जी को भी ताकतवर बनाना है। गौतम जी अकेले खड़े रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, आप सब लोग हमारी तरह खड़े होंगे साथ, अपने अपने सुझाव देंगे। आज जो कुछ दिल्ली में काम हो रहा है, अभी हमारे साथ में बैठे हैं हमारे सफाई कर्मचारी जो हमारा आयोग है उसके चेयरमैन हैं भाई साहब, अभी SC ST कमीशन नहीं बना, उसकी गौतम जी ने बात उठाई CM साहब के सामने, अरविंद जी के सामने, उन्होंने और डिप्टी CM दोनों ने स्वीकार किया, मसौदा तैयार करने को कहा, उन्होंने अपने विद्वान साथियों के साथ मिलकर मसौदा तैयार किया, वो तो मसौदा तैयार हो चुका है, पास हो चुका है और आपका बहुत जल्दी SC ST कमीशन बनने वाला है। अब तक जो कमीशन रहा है जैसे सफाई कर्मचारी कमीशन, कमजोर पंगु, ताकत ही नहीं थी, पावर नहीं थी, अभी हमारे चेयरमैन साहब हैं सफाई कर्मचारी आयोग के, अभी हमारे मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने दो हमारे मेंबर जब खड़े होंगे, रविशंकर जी और हमारी अनिता उज्जैनवाल जी, तो ये आपके समाज से निकाल के हमने वो हिले दिए कि जो सफाई कर्मचारियों की बात को उठाएं। आप देख रहे हैं सफाई कर्मचारी ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे, कोई आवाज तक नहीं उठाता। पहली बार एक में जानकारी एक मिनट में दे दूं, आप देखते हैं कि जो भी सीवर में उतरने वाले हमारे साथी आए दिन मौत होती रहती है, आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री जी के पास अभी एक महीने पहले तक जल मंत्रालय था, उस केस में जो संबंधित जेई था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और वो जेल भेजा गया, आज तक भी उसकी जमानत नहीं हुई। और हमारे जितने भी सफाई मजदूर साथी हताहत हुए सीवर में जिनकी मौत हुई, उनको 10-10 लाख रुपए उनके परिवार को और उनके परिवार से एक एक सदस्य को नौकरी दिलवाने का काम आपके मंत्री जी ने किया। और यही नहीं, 1993 से जो हादसे हुए हैं, हमने कहा है पूरी दिल्ली में किसी भाई की जानकारी में हो तो वो हमारे संज्ञान में लाए, 93 से जो भी हादसे हुए सीवर में मौत के उन सबको 10-10 लाख रुपए दिलाने की मंत्री जी ने ऐलान किया। तो साथ ही बहुत सारे काम हो रहे हैं, हमारा तो मंत्रालय तो मंत्री जी चलाते रहेंगे और बेहतर चलेगा कि आपके बेहतर सुझाव आएंगे। दर्द वही है जो सबके दिल में है, फिर पता नहीं क्यों नहीं ये होते हैं। साथियों, हमने जो महसूस किया है, एक बार किसी संस्था का कोई प्रधान बन जाता ना और बोर्ड लग जाए या लेटर हेड छप जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष, अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत जल्दी लिखते हैं हमारे साथी, माफ करना वैसे मैं कोई कटाक्ष किसी पर नहीं कर रहा, आप देखते भी हैं गली मोहल्ले में पहचान जितनी भी हो, शायद कॉलोनी में पूरी ना होगी, वो बोर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगे, फिर उसे हम के भाई साथ मिल जाओ तो कहेंगे जी मैं तो अध्यक्ष हूं मैं कैसे मिलूं। तो मेरा करबद्ध प्रार्थना है आपसे, थोड़ा सा झांके अंदर कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना, मैंने कितने लोगों को जोड़ा, मैंने समाज के लिए क्या किया, कितना मैंने काम किया है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाने को तैयार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए काम करिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सैनिक दल के 12 साल हमने अपने आदरणीय उमेश सिंह गौतम को रखा, हमसे छोटे हैं 2-3 साल, बाकी हमने 12 साल सलूट मारा क्योंकि मैं इनका डिप्टी था। हमारे मंत्री जी के भी सीनियर रहे, उन्होंने भी सलूट मारा क्योंकि हम बढ़तीधारी सैनिक थे। तो काबिलियत होती है तो आदमी अपने आप जगह लेता है। साथियों, पुनः दूसरी बार और तीसरी बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे जितने भी विभिन्न संगठन चलाते रहिए, बाकी जब भी समाज के लिए कहीं जरूरत पड़े वहां इकट्ठा हो, वहां इकट्ठा हो। और देखिए इकट्ठा होने के बाद क्या होगा, हम आम आदमी पार्टी में मंत्री जी, हम आम आदमी पार्टी में आज काम कर रहे हैं, हम सब लोग इकट्ठा हो, जरूरी तो नहीं आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी बनेगी वो तो दलितों के साथ कभी अन्याय करेगी नहीं, बल्कि अन्याय अगर होता हुआ हम देखेंगे तो चुप रहेंगे, आप साथ खड़े तो हम दम के बोलेंगे, डट के बोलेंगे कि ये हमारे साथ जुल्म अत्याचार हो रहा है, हमारे हकों की मतलब यहाँ पर हनन हो रहा है, तो ये सब आपके दम पर। और साथियों, सरकार के पीछे अगर आप सब मिलके खड़े हैं तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर आपको आपके अधिकार मिलेंगे। बाबा साहब ने कहा था ना, मांगने से थोड़ी मिलते हैं, अधिकार छीने जाते हैं। बड़ा अफसोस होता है अभी हम छोड़ नहीं पाए, बाबा साहब को तो कह देते हैं कि बाबा साहब
को हम मानने वाले पक्का मानते हैं। अरे भाई बाबा साहब ने जो कहा उसे भी मानो ना। इस भाई आडम्बर में रूढ़िवाद में कब तक फंसे रहोगे। कल एक हमारे सेक्रेटरी साहब मंत्री जी के साथ आए मीटिंग में, हमने उनको कहा जय भीम सर, हाथ मिलाया, मैं कैसे हैं, कृपा है माता रानी की। अरे भाई माता रानी की कृपा होती तो हमारे दादे परदादे सारे सेक्रेटरी होते, सारे आईएएस बनते। कृपा तो बाबा साहब की है। तो साथियों चलो आईएएस नहीं समझते, आज अशोक कुमार जी आगे आ जाए ना, धूप में इधर देने के तो पीछे, हाँ इधर पीछे जगह है। तो साथियों मैं आप लोगों के सुझाव लेने से पहले, क्योंकि वो सारी बातें वैसे मंत्री जी ने बता दी है, ऐसा नहीं हम सबकी विद्वता को पहचानते हैं, समाज में बहुत हमने दौड़ लगाई है, सबके चेहरे भी पहचानते हैं। तो जो भी साथी अपना कोई सुझाव देना चाहें समाज के हित में, और मंत्री जी को सुझाव के आप मंत्री हैं और हमारे समाज के लिए आप ये बेहतर कर सकते हैं समय, थोड़े समय में, जिससे कि कम से कम 50-60 संगठनों के लोग हैं तो 2-3 मिनट भी लेंगे तो बहुत सारा समय होगा। हमने 11:30 मीटिंग शुरू करके 1:30 खत्म करी, क्योंकि दूसरी मीटिंग हमारी 2 से है, वो राजनीतिक हमारे वॉलंटियर्स की मीटिंग होगी। तो मैं समझता हूँ जो भी साथी अपना सुझाव पहले देना चाहें वो अपना हाथ उठाएं, मैं उन्हें से सम्मान यहाँ बुलाऊँ। आइए जय सुखा।